यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है ना जॉर्डन, प्राइस एकदम चीप रेट भाई, शूज ही नहीं मिल रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, चलो। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब कहाँ जाऊँ पहले, क्योंकि मेरे को थोड़े आउटफिट्स लेने का है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को शूज़ है, क्योंकि कल मेरे शूज़ चोरी हो गए। बहुत सारे शूज़ थे, लेकिन उसमें से एक वाइट शूज़ जो मेरा बहुत फेवरेट था वो चोरी हो गया। एंड अभी सामने पुलिस वाले खड़े, पहले मास्क लगा लेता हूँ। हाँ, तो कल मेरे वाइट वाले शूज़ चोरी हो गए। एंड मैं पहले से ही सोच रहा था मेरे को 2-3 शूज़ और लेने का था, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था तो जा नहीं पा रहा था। एंड सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है कि मेरे को आउटफिट लेने के लिए बम्बई जाने का है और शूज़ लेने के लिए मलाड जाने का, तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ। पहले मलाड जाऊँ कि कहाँ जाते पहले राजू? मलाड जाते, शूज़ देखते, है ना? हाँ, अभी मेरी सानूस की वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूँ, तो वीडियो मेक श्योर देखो अगर नहीं देखे हो आप अभी तक। तो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ पब्लिश करने, जो कि मैं अपलोड करके रखा था 3 बजे पब्लिश करने का है, तो हम ना भी कर देंगे, फिर उसके बाद शॉपिंग तो करते रहेंगे। सो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो ये भी देखो एक बार। आज हम लोग लेट निकले शॉपिंग के लिए, क्योंकि कैसा मैं सोचा था कि रोड पे ट्रैफिक वगैरह मिलेगी, दोपहर में क्या रोड पूरी खाली हो जाती है। तो आई होप जूते मिल जाने चाहिए, क्योंकि जैसा तुम लोग जानते हो उनको कभी भी कुछ लेना होता है तो जो चाहिए रहता है वो नहीं मिलता, मुझे और ही कुछ लेना पड़ता है। आई होप मिल जाए यार। वो वाइट वाले शूज बहुत प्यारे थे, चोरी हो गया, थोड़ा बुरा लग रहा है। मेरे लोनावला वाले व्लॉग में देखे रहोगे तुम लोग, मैं उसको बारिश की वजह से निकाला ही नहीं, पहना ही नहीं, सिर्फ लेके गया था लोनावला, वैसे पैक टू पैक रिटर्न लेके आ गया था। सो कोई नहीं, जिसको भी मिला होगा उसकी क्वालिटी एंड उसको पहनने के बाद जो फील, उसको पहनने के बाद जो फील मिलेगा ना, क्या ही बोलूं। आई होप आज ऐसी कुछ अट्रैक्टिव चीज मिले। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा अट्रैक्टिव शूज, चलो। इतना लेट निकले कि ट्रैफिक ना मिले, दिखा कितना भी लेट निकले जल्दी निकले हम लोग को ट्रैफिक मिलना ही है। बाइक पे निकलो तो व्लॉगिंग बराबर नहीं हो पाती, कार में निकलो तो ट्रैफिक में फंसे रहो 1-1.5 घंटा, क्या करने का, मेट्रो का काम जल्दी जल्दी हो जाए तो शायद रोड खाली मिलेगी अपने को। हम लोग गोरेगांव पहुंचे हैं और यहाँ पे एक शॉप बहुत ही ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे शूज़ की वैरायटीज रहती है एंड बहुत चीप रेट में, तो एक बार यहाँ पे विजिट करते, देखते कुछ अच्छा मिल गया तो, नहीं तो फिर मलाड जाएंगे। सो अभी हम लोग शॉप पे गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे शूज़ हम लोग ने बाय करे और इतने चीप रेट में, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे इतने सस्ते में और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई। मतलब मेरे को लग रहा था इतने दूर जा रहे फिर मेरे को नहीं मिलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिली है और ये चीज़ फर्स्ट टाइम हो रहा है। और मैं सोचा था कि अंदर वहाँ पे एक्सप्लोर कर दूंगा, शूज़ वगैरह आप लोग को भी दिखा दूंगा, वो बहुत चीप रेट में वहाँ पे शूज़ अवेलेबल है, बट जिनकी शॉप थी वो बोले यहाँ पे शूट अलाउड नहीं है एंड आप प्लीज़ एक्सप्लोर मत करो। मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो आप लोग को सोचा दिखा दूंगा बट वहाँ पे एक्सप्लोर करने की परमिशन नहीं दी उन्होंने। दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी शॉप है, आप विजिट करो। कैसा इनकी शॉप बहुत ज़्यादा बिजी होती है तो इसलिए उन लोग ने हमें शूट अलाउड नहीं किए एंड बहुत ज़्यादा क्राउड था, सो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन आप विजिट करो क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ इतना अच्छा मिल गया। ओके, सो अभी हम लोग जा रहे हैं मलाड। मलाड से एक शॉप है वहाँ पे, वो भी बहुत प्यारी है, तो हम लोग को वहाँ से एक शूज़ लेने का, जो कि यहाँ पे नहीं मिला मेरे को था, बट थोड़ा ना क्वालिटी में फर्क थी, तो हम लोग जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे मिल जाए। आज फर्स्ट टाइम इतना अच्छा हुआ तो मतलब दिल खुश है मेरा, अगर वो नहीं भी मिला तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम सही में आज बहुत दिल खुश है कि यार एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, अल्लाह का एहसान है।
अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे को लग रहा है ये है बट मैप मेरे को आगे से लेफ्ट बता रहा है, तो क्या मालूम क्या सही है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तेरे को याद है क्या राजू? नहीं याद है मुझे, मेरे को लग रहा है यही लेफ्ट है, आगे से चलते ना देखते। मैप पे इतना मेरे को भरोसा नहीं है जितना मेरे को खुद पे भरोसा है। हाँ हाँ यही है यार। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मलाड़, लेकिन क्या बोलते हैं मैप की वजह से बहुत ज्यादा गोल गोल घूम घूम के आए हम लोग, लेकिन यहाँ पे पार्किंग काफी ज्यादा अच्छी मिल गई हम लोग को, तो टेंशन नहीं है। और शायद जहाँ से मेरे को मालूम था वहाँ पे पार्किंग वगैरह नहीं मिलती थी, है कि नहीं राजू? यहाँ पे पार्किंग बहुत ज्यादा अच्छी मिल गई, तो टेंशन फ्री जाके हम लोग बहुत सारे शूज देखेंगे। सो चलो चलते। बहुत प्यारा लोफर लग रहा है अभी ये, लेकिन नीड है मेरे को फॉर्मल शूज की, लेकिन अभी ये पसंद आ गया। अच्छा लग रहा राजू ये कि ये गुची का ये नहीं अच्छा लग रहा? नहीं भाई शूज ही नहीं मिल रहा, एक ही पैर का मिला है लग रहा। हां इधर आएगा ना भाई? नहीं मेरे को लग रहा तुम एक ही पैर का देके भेजेंगे। नहीं अनबॉक्सिंग दिखाएंगे ना भाई D2 की। अभी हम लोग D2 में आए थे एंड यहां D2 में बहुत ट्रेंड चल रहा है जॉर्डन एयर का। यहां पे इतनी सारी वैरायटी है ना जॉर्डन की, इतनी ज्यादा वैरायटी है जॉर्डन की, और प्राइस एकदम चीप रेट में। तो जॉर्डन का कलेक्शन देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो अभी हम लोग की शॉपिंग हो गई है एंड आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी शॉपिंग किया हो, एंड बहुत मजा आया आज की शॉपिंग में, जो कि मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ इतना ना, कभी ऐसा होता नहीं। आज बहुत चीपेस्ट शॉपिंग किया, मतलब इतने कम पैसे में फर्स्ट टाइम हम लोग ने 3 शूज लिए। एक ये है, एक ये है एंड एक और है इधर, जो कि अभी कार में खोल के दिखा दूं कि बाद में देखेंगे आप लोग। सो एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी एक इसमें लिया हूँ मैंने कुछ फॉर्मल शूज, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये आपके आउटफिट को बहुत ही ज़्यादा लेवल अप कर देगा अगर आप इसको वेयर करोगे तो। एंड ये एक है एलेक्जेंड्रा नहीं, इसकी भी बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, आप इसको पहनने के बाद ना क्या ही बोलो, वर्सटाइल जैकेट वगैरह पे अभी जिस हिसाब से क्लाइमेट चल रहा है। एंड ये अलेक्जेंड्रा वाइट कलर में, कॉज मेरा जो वाइट शूज था वो वाला कल चोरी हो गया, तो मैं बोला एक वाइट ले लेता हूँ। एंड अभी और भी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है करना, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज हम लोग अभी हैं मलाड़ में, अभी यहाँ से बम्बई जाते जाते रात हो जाएगी तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी फिर टाइम निकाल के जाएंगे शॉपिंग के लिए। सो कुछ ये 3 शूज थे जो हम लोग ने लिए, काफ़ी चीप प्राइस में मिला, एंड हम लोग के सामने ही सेल बडी है, लेकिन हम लोग सेल बडी जाएंगे नहीं, अब हो रहा है शाम। सो यहाँ से निकलते पहले, आज की शॉपिंग हो गई कंप्लीट। फर्स्ट टाइम मैं शॉपिंग करके इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चीप रेट में सब कुछ मिला। एंड अभी जा रहे हैं घर पे क्योंकि शाम हो गई है, बम्बई जाते जाते एकदम अंधेरा हो जाएगा, एंड फिर जो भी शॉपिंग करूंगा मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो इंशाल्लाह किसी और दिन टाइम निकाल के जाएंगे वहाँ। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।